जोश में डूबी हुई बीजेपी इस वक्त आपको दिखाई देगी। सिर्फ वैसे गाने ही नहीं बल्कि फिल्मी गानों पर भी खूब फिर गए हैं लोग। जो प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था कि 10 तारीख को होली मनाई जाएगी, भाजपा कार्यकर्ताओं ने आज यहाँ जबरदस्त होली मनाई है। और हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल आर्ट फ्रॉम द आर्ट में आपका स्वागत है। मैं आपका फ्रेंड रवि तिवारी फिर से लेकर आया हूं एक नई वीडियो। फ्रेंड्स, इस वाली वीडियो में जो मैंने ड्राइंग बनाई है वो है मेरे फेवरेट योगी आदित्यनाथ जी की मैंने ड्राइंग बनाई है। अभी जैसे चुनाव हुए तो मेरे को यही लग रहा था कि यूपी में योगी जी जीतने चाहिए क्योंकि वहां के लिए वो बेस्ट है, बिल्कुल उनसे बढ़िया कोई सीएम नहीं है और वही जीते हैं। इस खुशी में मैंने उनका एक पोर्ट्रेट बनाया। आई होप उनको पसंद आएगा और अगर आप लोगों ने सपोर्ट दिया तो ये पोर्ट्रेट भी उन तक पहुंच जाएगा। तो आप लोग अपना सपोर्ट बनाए रखें और कमेंट करके मुझे जरूर बताएं आप लोगों को वीडियो कैसी लगी और ये ड्राइंग कैसी लगी। और फ्रेंड्स, मैं इनकी ड्राइंग बना रहा था तो मैंने सोचा कि नॉर्मल ड्राइंग नहीं बनाएंगे, थोड़ा सा बढ़िया सा ड्राइंग बनाएंगे। तो फिर मैंने गूगल पे देखा और मुझे उनका एक साइड फेस की ड्राइंग मिली जो कि थोड़ा सा अग्रेसिव सा था और काफ़ी अच्छा लग रहा था। स्किन टेक्सचर जो उसमें आ रहे थे वो बहुत ही अच्छे आ रहे थे और बैकग्राउंड जो था वो बिल्कुल ब्लैक था तो मुझे काफ़ी सही लगा। मैंने कहा चलो इसको ट्राई करते हैं और इस वाली ड्राइंग को भी मैंने कलर पेंसिल से और जो इसका बैकग्राउंड किया है वो मैंने एक्रेलिक कलर से किया है। तो आप लोग देखना, आप लोगों को बहुत ही सही ड्राइंग लगेगी और मुझे कमेंट में बताना आप लोगों को वीडियो कैसी लगी। और लास्ट में जैसे कि मैं हमेशा की तरह आपको बोलता हूँ, सब्सक्राइब जरूर कर देना और बेल आइकन साथ में जरूर दबा देना लेटेस्ट अपडेट के लिए। इंस्टाग्राम पर भी आ गए हो, वहाँ पर भी आप लोग फॉलो कर देना। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। जब हम कोरोना से लड़ रहे थे, जब हम भ्रष्टाचार और बेईमानी से लड़ रहे थे, तब ये लोग भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ साजिश रचने का कार्य कर रहे थे, सरकार के खिलाफ साजिश रचने का कार्य कर रहे थे। और आज जनता जनार्दन ने अपने जनादेश के माध्यम से उन सबको एक बार फिर से सबक सिखा करके उनकी बोलती बंद करने का काम किया है। ये जीत की हुंकार है, भगवा रंग में रंगी उत्तर प्रदेश बीजेपी की बंपर जीत का जलसा। योगी आदित्यनाथ ने साबित कर दिया कि वो सूबे के सबसे बड़े नेता हैं। ये जीत योगी आदित्यनाथ की जीत है। आज के हमारे इस वीडियो में कहानी महंत अवैधनाथ के शिष्य और दत्तक पुत्र योगी आदित्यनाथ के मठाधीश से दूसरी बार मुख्यमंत्री बनने के सफर की है। योगी आदित्यनाथ की जितनी सियासी पहचान है उससे कहीं ज्यादा वो अपनी एक मजबूत धार्मिक पहचान भी रखते हैं। लेकिन गोरखनाथ मठ के सेवादार से लेकर 25 करोड़ से अधिक की आबादी वाले राज्य उत्तर प्रदेश के 22वें मुख्यमंत्री बनने तक का यह सफर कम दिलचस्प नहीं है। कैसे शुरू हुआ सियासी सफर? जिस गोरखपुर सीट से योगी आदित्यनाथ 5 बार भारी मतों से जीतकर लोकसभा पहुंचते रहे, उस सीट पर पहले महंत अवैधनाथ की तूती बोलती थी। यह यूं कहिए कि गोरखपुर संसदीय सीट के केंद्र में था गोरखनाथ मठ, जिसके मुखिया थे महंत अवैधनाथ, और बाद में इसी मठ की कमान योगी आदित्यनाथ को मिली थी। पहले मठ फिर सीट, महंत अवैधनाथ के उत्तराधिकारी योगी आदित्यनाथ जब साल 1998 में पहली बार गोरखपुर से बीजेपी के टिकट पर लोकसभा पहुंचे तब उनकी उम्र महज 26 साल थी। इसके बाद 1999 का लोकसभा चुनाव जीते, फिर 2004, 2009 और 2014 में 5वीं बार 2 लाख से ज्यादा वोटों से चुनाव जीतकर लोकसभा पहुंचे। कब कब विवादों में घिरे योगी आदित्यनाथ? योगी आदित्यनाथ बीजेपी के फायर ब्रांड नेता कहे जाते हैं। एक ऐसे नेता जो अपनी विचारधारा को बिना किसी लाग लपेट के कहने का मादा रखता है। साल 2002 में हिंदू युवा वाहिनी बनाने वाले योगी आदित्यनाथ बीजेपी में हार्ड कोर हिंदू वोटर का सबसे विश्वसनीय चेहरा माने जाते हैं। शायद यही वजह है कि बीजेपी अपने मंच से जब 80 और 20 का फर्क समझाती है तो उसका चेहरा योगी आदित्यनाथ होते हैं। लेकिन योगी आदित्यनाथ की ये फायर ब्रांड तेवर वाली छवि यूं ही नहीं बनी, बल्कि इसमें कुछ विवाद भी जुड़े हुए हैं जिसने उन्हें वक्त बेवक्त तराशने का काम किया है। चाहे वो 7 सितंबर 2008 को आजमगढ़ में योगी आदित्यनाथ पर हुआ हमला हो या फिर गोरखपुर दंगा, या साल 2005 में यूपी के एटा में कथित तौर पर 1800 ईसाइयों को हिंदू धर्म में शामिल करना, इन विवादों ने योगी आदित्यनाथ के कद को समय के साथ लगातार बढ़ाया है। बीजेपी ने क्यों बनाया यूपी का मुख्यमंत्री? ये हिंदू फायर ब्रांड नेता के तौर पर उभरते योगी आदित्यनाथ का ही कमाल था कि साल 2017 के विधानसभा चुनाव में जब बात मनोज सिन्हा पर आकर खत्म हुई लगती थी तब अचानक से योगी आदित्यनाथ का नाम यूपी की सत्ता के कैनवास पर उभर गया था।
राम मंदिर के नाम पर वोट की फसल काटने वाली बीजेपी के लिए योगी आदित्यनाथ मौजूदा दौर का सबसे प्रभावशाली चेहरा थे। लिहाजा दिल्ली से मोदी शाह की हरी झंडी के साथ ही जब रविवार के दिन 19 मार्च साल 2017 को लखनऊ के काशीराम स्मृति वन में योगी आदित्यनाथ ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। मैं आदित्यनाथ योगी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि तभी से दिल्ली की लुटियंस जोन और लखनऊ का मीडिया मोदी योगी कहने लगा था। सनातन हिंदू धर्म का उपासक हूं, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे संतु निरामया की बात करता हूं। मैं किसी मत और मजहब का विरोधी नहीं, लेकिन जो भारत का विरोधी है मैं उसका विरोधी हूँ सर, वो कोई भी हो। फ्रेंड्स, आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी प्लीज कमेंट करके जरूर बताएं आप लोगों को वीडियो कैसी लगी। चलिए मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।